नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी भाई तेसर पर। आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश की बुक के चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज टैपलो? टैपलो कितने साल का था? 14, 15, 16, 17। करेक्ट ऑप्शन इज 16। टैपलो इज 16 ईयर्स ओल्ड। हु वॉज टैपलो? टैपलो कौन था? टैपलो वॉज ए स्कूल बॉय। हु वॉज टैपलो वेटिंग फॉर? टैपलो किसके लिए इंतज़ार कर रहा था? टैपलो वॉज वेटिंग फॉर क्रोकर हैरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, वट वॉज टैपलो होपिंग टू गेट द नेक्स्ट डे? टैपलो अगले दिन क्या टैपलो क्या सोच रहा था कि उसे अगले दिन क्या मिलेगा? उसे क्या मिलेगा? हिज पासिंग सर्टिफिकेट। वट ओपिनियन डज टैपलो हैव अबाउट हिज मास्टर? टैपलो को अपने मास्टर के बारे में क्या सोच थी? अच्छी, बुरी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री या ऑल ऑफ दिस? तो टैपलो को अपने मास्टर के बारे में वही सोच थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डज टैपलो टॉक टू व्हाइल वेटिंग फॉर क्रोकर हैरिस? टैपलो किसके साथ बात कर रहा था क्रोकर हैरिस के आने के इंतज़ार करने तक? अनदर स्कूल टीचर फ्रैंक। ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड टैपलो लाफ एट क्रोकर हैरिस जोक इन द क्लास आउट ऑफ पोलाइटनेस टू हिज मास्टर? ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ क्रोकर हैरिस वाइफ वॉज? क्रोकर है इसकी वाइफ का नाम क्या था? मिली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन टैपलो स्कूल एज पर रूल द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड बाय डैश ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म? टैपलो के स्कूल में रूल के अकॉर्डिंग कौन लास्ट डे टर्म के लास्ट डे में कौन एग्ज़ाम के रिजल्ट को अनाउंस करता था? तो था हेडमास्टर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। विच बुक डज टैपलो हैव विद हिम? इनमें से कौन सी बुक टैपलो के पास थी? ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, द एगमेमनॉन मैनॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, डज टैपलो थिंक डैट क्रोकर हैरिस इज एन ऑर्डिनरी मास्टर? क्या टैपलो को लगता था कि क्रोकर हैरिस एक ऑर्डिनरी मास्टर हैं? नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज टैपलो स्पीक इन इनिशिएटिंग ऑफ? ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, क्रोकर हैरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डिड क्रोकर हैरिस आस्क टैपलो टू बी इन द क्लास? किस टाइम पर क्रोकर हैरिस ने टैपलो से पूछा, एट वट टाइम डेट क्रोकर हैरिस आस्क्ड टैपलो टू बी इन द स्कूल? किस टाइम पर क्रोकर हैरिस ने टैपलो से पूछा कि वो स्कूल में होना चाहिए? एट 5:30 PM, एट 6:30 PM, एट 7:30 PM, एट 8:30 PM। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, एट 6:30 PM। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वट इज़ द नेचर ऑफ ए सैडिस्ट? सैडिस्ट का क्या नेचर होता है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ही गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु मेड ए क्लासिकल जोक इन द क्लास? क्रोकर हैरिस मेड ए क्लासिकल जोक इन द क्लास। वट डिड द स्टूडेंट्स लाफ एट द जोक ऑफ क्रोकर हैरिस? दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द जोक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, वट पनिशमेंट डिड क्रोकर हैरिस गिव टू टैपलो फॉर नॉट कमिंग टू स्कूल? क्रोकर हैरिस ने टैपलो को क्या पनिशमेंट दी स्कूल में ना आने के लिए? ही गेव हिम एक्स्ट्रा वर्क टू डू। ऑप्शन नंबर बी सी जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डज मिली सेंड टैपलो टू? मिली ने टैपलो को कहाँ पर भेजा? मिली ने टैपलो को केमिस्ट के पास भेजा। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और साथ ही इस
वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।